बीते दिनों हमने पांच के पंच में सरायकेला जिले के नीमडी प्रखंड के लुपुंगडी में बने टोल प्लाजा की खबर दिखाई थी। सड़क निर्माण पूरा हुए बिना टोल वसूली शुरू होने से लोग नाराज थे। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया था। TV45 पर जनता की आवाज दिखाए जाने पर टोल मैनेजर बौखला गए और फोन पर हमारे संवाददाता को पाठ पढ़ाने लगे। हालांकि समय रहते उनके होश ठिकाने आ गए और कैमरे पर उन्होंने सफाई भी दी। देखिए इस पर रिपोर्ट। जनता की आवाज को हम आवाज देते हैं तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, वो बौखला जाते हैं। बौखलाहट में फोन पर हमें पाठ पढ़ाने लगते हैं जबकि उन्हें आईना देखने की जरूरत होती है। सरायकेला जिले के निमडी प्रखंड में लुपुंगडी में NH 32 पर बने नए नवेले टोल प्लाजा के मैनेजर का यही हाल है। दरअसल झारखंड के सरायकेला जिला को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला से जोड़ने वाली NH 32 पर निमडी प्रखंड में लुपुंगडी में बने टोल प्लाजा से 22 सितंबर से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों और राजनीतिक दलों ने एतराज जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि NH 32 सड़क का निर्माण अब तक अधूरा है। इस सड़क पर बन रहे एक भी ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हो सका और बिना सर्विस के ही टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई। लोगों ने इसे गुंडागर्दी बताते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। ग्रामीणों के सवाल को जब हमने अपने पांच के पंच में दिखाया तो टोल मैनेजर ललित त्यागी तिलमिला उठे। उन्होंने हमारे संवाददाता गुलाम रब्बानी को फोन कर गुस्सा जाहिर करने लगे। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये टोल जो आप बंद करवाना चाहते हैं तो एक काम करिए, कुछ लोग इकट्ठे होके यहाँ पे खड़े होके धरना दे दीजिए। मैं वीडियो बना लेता हूँ, एक मैं डाल देता हूँ वहाँ पे। कौन वाली? बंद हो जाएगा टोल। क्या वो बोलिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आए सब परेशान है कि रोड कंप्लीट नहीं है, तो ये टोल बंद हो जाएगा। कुछ लोग इकट्ठे होके यहाँ पे टोल पे खड़े होके धरना दे रहे। उसका जिम्मेवार हम थोड़ी है, मेरा काम न्यूज बनाना है, कोई इकट्ठा करने का काम मेरे पास मेरा थोड़ी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इससे दिक्कत है तो वो मैं बता दे। नहीं नहीं, हमसे उससे क्या मतलब है? बट आपकी बार लोकल का कोई भी नहीं, लोकल से हमको क्या मतलब है? हमको न्यूज चलाना है, बट हम इसीलिए आपका। दरअसल ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जो सवाल उठाए इसे लेकर हम टोल प्लाजा प्रबंधन का पक्ष जानना चाहते थे, लेकिन जनाब पक्ष रखने की जगह हमें पाठ पढ़ाने लगे। लेकिन समय रहते ही उन्हें होश आया, वो कैमरे पर बात करने को तैयार हुए। अजीबोगरीब सफाई दी, कहा कि जितनी सड़क बनी है उतने का ही टोल टैक्स लिया जा रहा है, स्थानीय लोगों को राहत भी दी जा रही है। हम तो उसका उस चीज का ले रहे हैं जितना रोड हमारा स्कोप में है और जितना बन चुका है, उससे ज्यादा का हम टोल नहीं ले रहे। 4XL 165 3XL 105 लोकल 10 किलोमीटर तक जो उनकी प्राइवेट कार है उनको फ्री, जो पास पे उनका पास बनेगा 340 रुपये लोकल से नहीं, उनका आधार कार्ड देख के लोकल है उनको। बता दें कि NHAI ने उत्तर प्रदेश के मेरठ के श्रीपाल सिंह नामक कंपनी को टोल वसूलने का जिम्मा दिया है। ग्रामीण बिना सड़क निर्माण पूरा हुए टोल टैक्स को धांधली बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्रबंधन किसी की नहीं सुन रहा और टोल मैनेजर ग्रामीणों को समझाने के बजाय हमें पाठ पढ़ा रहे थे। अगर उन्होंने ग्रामीणों के साथ बात की होती तो ग्रामीणों के गुस्से से उन्हें दो चार नहीं होना पड़ता। सरायकेला से TV45 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता गुलाम रब्बानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम, जिस तरीके से टोल प्लाजा जो मैनेजर है, पहले तो फोन पर आपको लोग इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, उसके बाद जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दलीलें दे रहे हैं कि स्थानीय लोगों को छूट दी जाएगी, लेकिन जो सुविधा मिल ही नहीं रही है, रोड अगर पूरा हुआ ही नहीं है तो उस किस एवज में जिस तरीके से यहाँ पर टोल यहाँ पर काटा जा रहा है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर धांधली है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब भी कोई रोड या तो ब्रिज का काम होता है, फ्लाईओवर का काम रहता है, पूरा नहीं होता तब तक जो टोल बनता है टोल वसूली नहीं करना चाहिए, ये नियम में भी है। लेकिन पहली बार इस क्षेत्र में जो NH 32 है वहाँ कुल जो कि 5 फ्लाईओवर का काम अभी तक अधूरा है, और इसी का खबर जो की है TV45 ने दिखाया था कि किस तरह से भी काम अधूरा रहते हुए रोड पुल और जो फ्लाईओवर है उसका काम अधूरा रहते हुए भी जो की है टोल वसूली किया जा रहा था। इसकी खबर दिखाने के बाद जो हमारे टोल मैनेजर हैं वो गुस्से में, और उनका कहना है कि TV45 ने जो खबर दिखाई है ये सही नहीं है। हालांकि इसके बाद उन्होंने फोन करके लोग
एकजुट करने को भी कहा है। देखिए ये मामला जब सामने आया तो लोग तो स्थानीय जो नेता हैं, देखिए एक जो भी राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं एक दूसरे के खिलाफ वो आग उगलने का काम करते हैं, लेकिन इस मसले पर इस मामले में सभी लोग एकजुट दिख रहे हैं, सभी दलों के लोग एकजुट दिख रहे हैं और सामाजिक लोग भी एकजुट दिख रहे हैं। तो उसी इशू को लेकर वो स्थानीय लोग और जो जनप्रतिनिधि उनका विरोध था, और उनका विरोध करने के बाद जब TV45 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, इसके बाद जो कि है मैनेजर आग बबूला हो गए और उनका कहना था कि आग जो कि एक लोग एकजुट करके इस टोल प्लाजा को यहां से हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये उनका तानाशाही है। और इसको लेकर जो भी और जो उग्र आंदोलन है वहां के लोग जो स्थानीय है वो अब करने को तैयार है। जी जी गुलाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।